आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने सारे अधिकारियों के साथ, कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर, वार्ड के जिम्मेदार, जो स्लाटर हाउस के ऑफिसर हैं, वो बहुत सारे ऑफिसर के जितने भी कुर्बानी से और स्लाटर हाउस से कनेक्टेड लोग हैं सबको बुलाया, और जो भी लोग व्यापारी हैं जानवरों के और पॉलिटिकल लोगों को बुलाया, उसमें हमारी बातचीत हुई थी। पिछले साल भी उन्होंने बुलाया था, लेकिन पिछले साल बहुत अच्छी तरह से, कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई थी। इस साल भी उन्होंने बुलाया, मुझे खुशी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शिंदे साहब ने सब बातें सुनी और हम लोग जितनी डिमांड की उन्होंने सब अप्रूव किया, और ऑफिसरों से कहा कि आज से इस पर कार्रवाई शुरू करो। जैसे जानवरों की फ़ीस, जो जानवर उसमें अंदर आते हैं उसकी फ़ीस लगती है, वो फीस उन्होंने वेव करने की, पिछले साल वेव किया था, अब की साल पर पूरी फीस हम वेव कर देंगे। और उसके बाद पार्किंग होती में कुछ लोग धांधली करके एक एक लोगों से 5-5, 6-6 हज़ार रुपया पार्किंग का ले लेते थे, वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। गोश्त कटता है तो जगह काटने की कम है, और उसकी जगह बढ़ाने की बात हुई, गाड़ियाँ गोश्त भर के खड़ी रहती हैं, 4-4 घंटे बाहर नहीं निकल पाती, उस पर बात उनसे हुई। और सफाई के लिए जितने कर्मचारी, उससे कई गुना सब कर्मचारी बढ़ाइए, और हर 3-3 घंटे में सफाई का अच्छी तरह बंदोबस्त किया जाए। सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल लोग ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर आके चोरी करते हैं, पैकेट मारते हैं, बेचारे किसान बाहर से आता है यहाँ पर परेशान होकर अपने जानवर लेकर के, उसके साथ अगर मुंबई में ज्यादती हो जाए तो हमारे प्रदेश की बदनामी है। इन सब चीज़ों में बात किया गया। अंदर बैंक खुलना चाहिए, ATM होना चाहिए, लोग अगर इतनी भीड़ में बाहर जाएंगे, बाहर पैकेट मार कोई खड़ा होगा, कोई गुंडा खड़ा होगा, तो वो बंदोबस्त पूरा स्लाटर हाउस के अंदर ही होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा CCTV रहना चाहिए, ताकि सब सारे लोगों की जो मॉनिटरिंग बराबर की जा सके। और जो है गाड़ियों में जानवर की गिनती क्यों करते हो आप? अरे इसी देश के अंदर, मैंने कहा मुख्यमंत्री से, मैंने कहा सारे महफिल में, मैंने कहा कि साहब जब छुट्टियां होती हैं तो रिजर्वेशन ट्रेन में नहीं मिलता, और लोग ट्रेन में जानवर से ज़्यादा बदतर हालत में मुंबई से 3-3 दिन तक खड़े होकर के टॉयलेट के पास बैठने की जगह नहीं, गाँव जाते हैं, मगर कोई मेरे देश का संगठन नहीं है जो कहता है बेचारे इंसान परेशान है, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। ये कोई, लेकिन आज जानवर आता है ना तो उनको बहुत परेशानी हो जाती है, उनको जानवर से मोहब्बत नहीं है, उनको मुसलमानों से नफरत है। तो आप एक एक, एक आप ये कि अगर कोई जानवर ज़्यादा लाता है और जानवर कहीं आपस में लड़ गए, सींग टूट गई, उनका जो पैर खुर टूट गई, उनकी चमड़ी कट गई, तो वो जानवर बेकार है, उसकी कुर्बानी हो ही नहीं सकती, जो ला रहा है ना उसका नुकसान है। आप आँख बंद कीजिए, जानवरों को लाने दीजिए, उनकी जिम्मेदारी छोड़िए, जानवर गिनना बंद कीजिए, कम से कम 4 दिन अभी रिलैक्सेशन दीजिए, उनको लाने दीजिए उनकी जिम्मेदारी पर, और कोई भी संगठन रास्ते में उनको रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे सामने पुलिस कमिश्नर से कहा, DGCP से कहा कि बिल्कुल इस पर आप लोग अमल कीजिए, कोई रोकना नहीं चाहिए। एक JP इंफ्रा है यहाँ पे मीरा रोड के अंदर, वहाँ 200 से ज़्यादा मुसलमानों के फ्लैट हैं, लेकिन वहाँ के लोग इतने सांप्रदायिक हैं कि उनका फंक्शन सब होगा। उन्होंने जहाँ कम्युनिटी हॉल के अंदर मंदिर बना दिया, मुसलमान जा ही नहीं सकता, और उसके बाद मुसलमान वहाँ कुर्बानी नहीं करना है, सिर्फ बकरे रखना है, जहाँ कुत्ते जो काट लेने पे 14 सुई लगती है उनको गोद में लेके घूम रहे हैं, और बकरे आते हैं तो उनको नहीं लाने दे रहे हैं। उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल उस सोसाइटी के लोगों को बुलाकर कमिश्नर साहब जो है उनको ताकीद करें, ऐसी बदतमीजी वहाँ नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हुई हैं धुलिया में, मालेगांव में, अकोला में, जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ लोग ला कर के बजरंग दल के कुछ लोग हैं, अब नाम क्या लूँ मैं उनका, वो पुलिस के साथ मिलकर पैसे वसूलते हैं, और बेचारा गरीब किसान मजदूर जो वहाँ से गांव से लाता है, भूखा प्यासा और डर के मारे पैसे दे देता है, उसको उम्मीद रहती है कि भाई बकरीद आएगी तो कम से कम हम थोड़े पैसे कमाएंगे, और ये सारा धंधा कौन करता है? किसान करता है, किसान परेशान है। मैं समझता हूँ 60-70 हज़ार करोड़ का ये व्यापार होता है, ये सारा पैसा किसानों को जाता है। मुख्यमंत्री जी ने माना और मुझे खुशी है कि उन्होंने हाँ कहा है, और मैं महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप भी लोग भी कानून के दायरे में रहकर अपना काम कीजिए। हम लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, और उन्होंने सारे अधिकारियों को कहा है कि बकरीद में किसी को कोई तकलीफ ना होने पाए।